जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबर्रा में धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार और सीईओ को सौंपा ज्ञापन, अस्थायी रूप से दुकान आवंटित करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कटंगी थाना क्षेत्र के महोगांव में चोरों ने मचाया उत्पात। एक ही रात में 5 घरों में लगाई सेंध, 2 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। से बंद हुई इतवारी से बालाघाट मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन पूर्ण हुई शुरू। पहले ही दिन निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चली ट्रेन, यात्रियों को स्टेशन पर घंटों करना पड़ा इंतजार। लांजी क्षेत्र के कुलपा में 10 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था मृतक बालक। रीनापुर पिपरटोला समीप मोड़ में 2 मोटरसाइकिल के आपस में हुई जबरदस्त भिड़ंत, दुर्घटना में 5 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बारसोनी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सहकारिता महासंघ की एक दिवसीय हड़ताल का दिखा असर। सोसाइटी सहित राशन दुकानों में लटके रहा ताला, राशन लेने पहुंचे हितग्राही और किसान हुए परेशान। लालबुरा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जन्म पंचायत लालबुरा के अंतर्गत आने वाले 77 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्माण किए गए मकानों का 24 अप्रैल को लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पांडरवानी के द्वारा पंचायती राज दिवस मनाया गया और हितग्राही सुशीला पति सतीश के पीएम आवास से निर्मित मकान का विधि विधान से पूजन अर्चन कर लोकार्पण किया गया। और वो किसके मकान का क्या है वो सब बता दो भैया, जो है आज माननीय शासन के आदेश निर्देश अनुसार जो है जो नए आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास मिशन के तहत, उन मकानों का जो है आज लोकार्पण कराया गया है, जिसमें जो है हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारे मकान बने हैं, किंतु एक विशेष मकान में सारे लोग गए थे, हमारे पंचायत का पूरा स्टाफ था और वो हितग्राही का नाम है सुशीला सतीश, ग्राम पंचायत पांडावानी लालबर्रा, उनके मकान का जो है विधिवत जो है आज पूजा पाठ करके उनको गृह प्रवेश कराया गया। उसके बाद जो है हमारी ग्राम पंचायत में जो है निरंतर जो है यहाँ पर लाडली बहना योजना के जो है आवेदन लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज शाम तक के जो है अभी वर्तमान में जो है 936 लोगों के ऑनलाइन जो है हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रात देर रात तक के 1000 का आंकड़ा हम लोग पार कर रहे हैं। लाल इसी तरह नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवीरी में भी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम आवास योजना से निर्मित 180 मकानों का गृह प्रवेश किया गया। कि जो योजना थी वो पूरी योजना ठप हो गई थी, लेकिन फिर से जब सरकार हमारी बनी तो उन्होंने सारी योजना को शुरू किया है और अभी वर्तमान में जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको ने कुछ पावरफुल किया है कि वो अपने पंचायत में प्राथमिकता के रूप से ग्राम पंचायत के हित में सभी लोगों को बुलाकर जो अपने पंचायत के लिए आवश्यक काम है उस आवश्यक काम करने के लिए सक्षम रहेंगे और कुछ जो अधिकार उनके छूटे थे वो अधिकार भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया गया है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पिछले बार ग्राम उदय से भारत उदय की ओर, तो जैसे अपने गांव का यदि उदय होता है तो पूरे भारत का उदय होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सारे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि लगे हैं और निश्चित रूप से वो जो हमारा लक्ष्य है सरकार का है। हमारा गरीब परिवार ना तो कमिलू ला सकता था और ना ही टीन के चादर ला सकता था। तब ऐसी विषम परिस्थिति में एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अभिनव योजना, जिसके माध्यम से हमारे गरीब परिवार के हितग्राही को रहने के लिए एक छत का व्यवस्था हो और बरसात में भी उसका पूरा परिवार आराम से और व्यवस्थित तरीके से एक मकान में रह सके, जिसको हम प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, उस योजना के माध्यम से उन्होंने हमारे गरीब परिवार को लाभ देने का प्रयास किया है। तो क्या बदलाव आएंगे इससे? मुझे लगता है कि पुरुषों की अपेक्षा हमारी जो मातृशक्ति होती है, माँ होती है, बहनें होती है, वो ज़्यादा संवेदनशील होती है। और हमने देखा है 2014 का इलेक्शन और उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन, हमारी महिला बहनों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। मैं दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में मोटरसाइकिल में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क दुर्घटना में ताजा मामला किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किरणापुर और पीपरटोला सड़क मार्ग के ग्राम पाला के समीप मोड़ का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक लोकेश पिता राजेंद्र पाचे उम्र 18 वर्ष जो ग्राम नेवरगांव का लगा निवासी है। लोकेश अपने अन्य दो दोस्त शिव कुमार पिता नेका देशमुख 20 वर्ष पानगांव निवासी व संजय पिता ओमकार बाहे 18 वर्ष पिपरटोला निवासी के साथ मोटरसाइकिल से किरणापुर किसी काम से गए थे। यहाँ से वे अपना काम खत्म कर वापस अपने मामा के घर पिपरटोला जाने निकले थे, तभी ग्राम पाला के आगे मोड़ के सामने आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिससे लोकेश सहित उसके अन्य दो दोस्त भी घायल हो गए। तो वहीं सामने से आ रही मोटरसाइकिल में सवार दो युवक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल लोकेश व संजय का जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जबकि शिवकुमार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही दो अन्य घायलों को भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने व भाजपा की वादाखिलाफी के खिलाफ आम जन को भाजपा का असली चेहरा दिखाने के उद्देश्य से कांग्रेस के द्वारा राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा भोपाल से निकाली गई, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के 6200 किलोमीटर की यात्रा 122 दिन और 52 जिलों में 142 विधानसभा का भ्रमण करेगी। जिसमें यात्रा आज बालाघाट पहुंची, जहां पर स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में पवन कुमार पटेल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस यात्रा की पूरी जानकारी दी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने जाने को लेकर अब पार्टी के द्वारा अपने अपने स्तर पर जनता को रिझाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कोई पदयात्रा निकालकर तो कोई आमजन के बीच जाकर जनता को अपनी रीति नीति से अवगत कराने में लगा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीते दिनों भोपाल से एक यात्रा निकाली गई, जिसका नाम राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा रखा गया, जो कमलनाथ के द्वारा भोपाल से हरी झंडी दिखाकर विदा की गई, जिसमें यात्रा 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 122 दिन में 52 जिलों तथा 142 विधानसभा का भ्रमण किया जाएगा। देखिए, हमारी यात्रा का नाम है राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा। इस यात्रा को माननीय कमलनाथ जी ने झंडी दिखाकर भोपाल से रवाना किया था। यात्रा करीब 6200 किलोमीटर का सफर इस पूरे प्रदेश में तय करेगी, जिसमें हमारी 1464 किलोमीटर के लगभग पदयात्रा शामिल रहेगी। हमारी यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का था, और दूसरा उद्देश्य हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को जो 15 महीना से कम समय काम करने को मिला, विपरीत परिस्थितियों में वो जो उन्होंने हर वर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लिए जो उन्होंने जनहित ऐसे काम किए, उन कामों को लेकर आम जनता तक पहुँचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस देश का भला चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान था, जो संविधान पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी आज वो संविधान खत्म करना चाहती है, उस संविधान को मैं बचाना चाहता हूँ। लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि सब कोई अब संविधान को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म में आए और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए 2023 और 2024 में,
जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्त ताकतों को सबक मिल जाए, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की थी आज तक कोई बात पूरा नहीं किया। आज हर व्यक्ति उन वादों में कहीं ना कहीं हकीकत को ढूंढ रहा है, लेकिन हकीकत से काफी दूर है, रूबरू कहीं नहीं हो पा रहा बंदा है। पर यात्रा के दौरान पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, चुनावी साल है, उनकी क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसे एक्टिविटी समझ में आ रही है, कैसे आप उनके बीच समन्वय और संवाद स्थापित कर रहे हैं? देखिए, हमारे नुक्कड़ सभाएं चौपाटी गार्डन के बाजू की शासकीय भूमि का निजीकरण करने के विषय पर लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा अपना बयान दर्ज किया गया। इस निजीकरण का विरोध किया गया है। वह उनके द्वारा यह मांग की गई है कि जिस प्रकार से इस भूमि का निजीकरण किया गया है वह गलत है, उसे सही विधिवत तरीके से नीलामी करने की उन्होंने मांग की। आपको बताया कि चौपाटी गार्डन के बाजू की शासकीय भूमि को प्रशासन के द्वारा हाल ही में 22 करोड़ रुपए में राइसन एंड कंपनी लांजी के द्वारा अधिक बोली लगाकर इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित कर लिया गया, जिसके विरोध में लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा इसके आपत्ति लेते हुए कहा गया है कि यह जो जमीन नीलाम की गई है और इसके पूर्व भी गवर्नमेंट के पास MPRDC की जमीन नीलाम की गई, वहाँ शहर के बड़े बड़े लोगों के द्वारा शहर के शासकीय भूमि पर अपनी नज़र बनाकर जिला प्रशासन को मैनेज कर अपने कब्जे में लिया जा रहा है। उस पर पूर्व विधायक ने कहा कि जब से बालाघाट नगर पालिका बनी है तब से संपत्ति का विभाजन नहीं हो पाया और जितनी भी शासकीय भूमि है उसमें नगर पालिका बालाघाट का नाम दर्ज नहीं है। उन सभी भूमियों पर नगर पालिका बालाघाट का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। बालाघाट में काली पुतली चौक पर पशु चिकित्सालय के पास में जो जमीन है, यातायात थाना और इसके चौपाटी से लगी करीब 22 करोड़ में निकला हुआ। इससे पहले भी गवर्नमेंट स्कूल के पास में MPRDC की जमीन जो थी वो भी निकला हुई, और जो बड़े बड़े लोग हैं शहर में जो शासकीय भूमि पर उनकी नज़र है वो प्रशासन को मैनेज करके नीलामी करके उसको अपने कब्जे में। तो मेरा कहना है कि नगर पालिका का जो एक मामला है, जब से बालाघाट नगर पालिका बनी तो वहाँ पे संपत्ति का विभाजन नहीं हो पाया, तो जितने भी शासकीय भूमि है उसमें नगर पालिका का नाम दर्ज नहीं है, तो उन सारी ज़मीनों पे नगर पालिका का नाम दर्ज कराया जाए। दूसरा, बालाघाट में कम से कम 5,000 लड़के बेरोजगार हैं, तो ये सारी ज़मीन यदि निजी कंपनियाँ उनको कब्जे में लेके और फिर वहाँ पे वो अपना जो भी शॉपिंग मॉल जो बनाएगी उसका लाभ गरीब बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा उसको दुकानें बेचेंगे, वो अपने अपने तरीके से शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे और अपने तरीके से वो सिस्टम को चलाएंगे। तो शहर में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर सरकार की पहली जिम्मेदारी, प्रशासन की पहली जिम्मेदारी कि शहर में बेरोजगार जो लड़के हैं उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। पूरा शहर के जो नौजवान दिशाहीन हो रहे हैं, अलग दिशा में चल रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको ना छोड़ के सरकार जो है इस तरह की ज़मीन के हाउसिंग बोर्ड से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से उसका नीलाम कर दिया है, तो ये बड़ा गंभीर मैटर है। इसकी सरकार नए सिरे से सारी वो नीलामी को निरस्त करे, और नहीं करेगी तो क्योंकि पूरी मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए उसका पालन नहीं हुआ है, तो मैं इसकी जाँच भी करवाऊँगा लोकायुक्त से और ये नीलामी कैंसिल करें, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा देवी तालाब पर भी अलग मैटर है। देवी तालाब को भी सरकार ने गलत तरीके से उसकी रजिस्ट्री कर दिया था और अब तक वो देवी तालाब बिल्कुल शहर के लिए गंदगी पूरा शराबोर बना हुआ है, तो ये सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कांदला के जंगल में 22 अप्रैल की अल सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारी गई दोनों इनामी महिला नक्सलियों के शव लेने के लिए सोमवार को उनके परिजन बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने SP समीर सौरभ से मुलाकात कर महिला नक्सलियों से अपनी रिश्तेदारी के सबूत भी पेश किए। वहीं शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ छत्तीसगढ़ सुकमा ले जाने की इच्छा जताई, जिस पर बालाघाट पुलिस के द्वारा शव सुपुर्दगी की तमाम तरह की औपचारिकताएं और आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दोनों महिला इनामी नक्सलियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से महिला नक्सलियों के शव लेने बालाघाट आए उनके परिजन शव लेकर सोमवार की देर शाम छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल की अल सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच कांदला के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारी गई नक्सली भूरम देव में एरिया कमांडर टाडा डलम व वर्तमान में विस्तार दलम में काम कर रही SEM सुनीता का शव लेने उनके गांव से बालाघाट पहुंचे उनके भाइयों को सौंपा गया। तो वहीं दूसरी ओर इनामी महिला नक्सली कबीर की गार्ड रही खटिया मोर्चा दलम में SEM और वर्तमान में विस्तार दलम में सक्रिय सरिता का शव उसके पिता व उनके लड़के के सुपुर्द कर दिया गया। इतवारी से बालाघाट मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 2019 में तकनीकी कारणों के चलते बंद कर दी गई थी, फिर वहीं यह ट्रेन 24 अप्रैल 2023 को पुनः ट्रेन को शुरू किया गया, किंतु पहले ही दिन
यह ट्रेन अपने शेड्यूल से लगभग 3 घंटे लेट बालाघाट पहुंची, जहां पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तय समय सीमा के अनुसार यह ट्रेन 24 अप्रैल को 3:05 पर इतवारी से बालाघाट पहुंचना था व बालाघाट से 3:15 पर यह ट्रेन इतवारी के लिए निकलना था, किंतु यह अपने समय सीमा से लगभग 3 घंटे लेट होने की वजह से यात्रियों को स्टेशन में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि यह ट्रेन अपने समय सीमा से 1 घंटे लेट निकली थी व रास्ते में अतिरिक्त 2 घंटे लेट होने की वजह से यह बालाघाट 24 अप्रैल को शाम 6:03 पर पहुंची। गाड़ी का पहला दिन था, उसको आने का था, लेकिन क्योंकि गाड़ी सिंगल लाइन है यहाँ पे और गोंदिया में रस ज़्यादा रहता है गाड़ियों का आने जाने का, लेकिन एक्सीडेंट के कारण ज़्यादा और दर्द बन गया और लगातार कोचिंग ट्रेनों को आना जाना चलता था, इस कारण वहाँ विलम्ब हो गई गाड़ी और बस उसका लाइन क्लियर हो गया है और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर बालाघाट आ गया। कितने बजे बालाघाट पहुँचेगी और यहाँ पर कितने देर का स्टॉप? यहाँ पे उसका 10 मिनट का स्टॉपेज है, यहाँ उसका आने का है 15:05 को 15:15 जाने का है उसका, लेकिन आज लेट हो गई है, आएगी और 10 मिनट बाद में वापस चली जाएगी। लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले अंतिम छोर के ग्राम पंचायत नेवरगांव वाराणसी में बीते कई वर्षों से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि यह वाराणसी व लालबरा तहसील का अंतिम ग्राम है जो लालबरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, मगर यह ग्राम नेवरगांव वाराणसी में पानी की समस्या से जूझ रहा है। इन्हें छिंदरी घाट से पानी सप्लाई होता है जिसकी टंकी खमरिया में स्थित है। ऐसे में टंकी भरने के बाद नेवरगांव को 1 से 2 दिनों का कोपी पंचायत चिल्लोद पाथरी जैसे ग्रामों को भी अंतराल दिवस पर पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में ग्राम भी पानी की कमी से अछूते हैं। पानी की दिक्कत जा रही, सब पानी नहीं मिल रहा, नल का भी आ रहा है तो आता ही नहीं, नल तो अपने घर तक पहुँचा ही नहीं पा रहा। तो अभी वर्तमान में आप पानी के लिए क्या व्यवस्था बना? पानी हैंडपम्प से लाते हैं और थोड़ा बहुत कुएं में वो यूज हो जाता है, घर का बर्तन पानी वाले। तो पानी अभी पर्याप्त है आपके कुएं में? थोड़ा बहुत है, वही गंदा पानी निकलता है तो थोड़ा बहुत बर्तन पानी के काम आ जाता है। पानी की वही दिक्कत है, हमको हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी मिलता है। फिर ऐसे में कैसे व्यवस्था बनाते हैं? क्या व्यवस्था बनाते हैं, कुआ तालाब से लाते हैं पानी। हम तो कावड़ से ढोते हैं पानी। अब किसी के घर में कुआ है तो कुएं से ला लेते हैं, हैंडपम्प है हैंडपम्प से ला लेते हैं। आप लोगों ने सरपंच सचिव या वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे की सूचना नहीं दी? बस उनको सूचना देते भी हैं तो क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, वो भी तो परेशान रहते। वजह क्या मानी इसकी? वजह वही है कि वहीं से पानी नहीं आता, छंडलाई से पानी टंकी पंचायत में बनाया गया है वो उधर में नाले में, लेकिन क्या वहाँ पानी सक्सेस नहीं है, परेशानी हो रही है पानी। यहाँ पे क्या है, कभी 2 दिन में एक बार नल दे रहा है, कभी दे ही नहीं रहा है, पानी की बहुत भारी समस्या है यहाँ, मतलब कोई प्रशासन इसका कुछ वो ही नहीं कर रही है। तो अभी आप लोग मिले नहीं मिले, आप लोग ऐसे में कैसे करते हैं अपना गुजारा? अब वो जिनके पास में साधन है तो वो लोग यूज़ कर लेते हैं, बाकी नल हैंडपम्प में। पानी कहाँ से आता है? पानी नल जल योजना से आता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी छिंदई से भी आता है अपने यहाँ, लेकिन बराबर नहीं मिलता, और अपने यहाँ ऐसा है कि 2 दिन में 4 दिन में एक बार मोटर चालू करते हैं तो उससे पानी। कितने गांव में मिलता है इससे? गाँव पर और छिंदई से और दूसरी जगह जाता होगा? हाँ, और पानी उधर जाता है ना, सीधा जाता है अपना चिल्लोद हो गया, कोपे हो गया, उधर पानी बराबर मिलता है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 5 लालबरा रोड स्थित पुराने चिकित्सालय परिसर में अव्यवस्थाओं का दौर देखा जा रहा है। इस परिसर में जहां पुरानी इमारत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, तो वहीं पशु चिकित्सालय की करीब 1 एकड़ भूमि बंजर पड़ी है, जहां लोग अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस 1 एकड़ के परिसर में बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाए, साथ ही पुलिस गश्त बढ़ा दी जाए, तो निश्चित ही यह परिसर जहाँ सुरक्षित हो जाएगा, वहीं अवैध अतिक्रमण पर रोक भी लगेगी। इस वार्ड के पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि के अलावा वार्ड नंबर 6 के पार्षद ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और पार्षदों की बैठक में इस मामले को गंभीरता के साथ रखने का आश्वासन भी दिया।
आपको बता दें कि जीर्ण शीर्ण पुराना पशु चिकित्सालय अंग्रेजों के समय का है, जहां वर्तमान में गंदगी का अंबार है। निश्चित ही शासकीय भवन अपना अस्तित्व खो बैठेगा, जहां पर असामाजिक तत्वों की भरमार लगी रहती है, जिसे लोगों ने नशाखोरी जुआ का अड्डा बना लिया। ऐसे में शासकीय भूमिका दुरुपयोग के साथ ही नगरवासी भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पशु चिकित्सालय भवन के पास स्वयं की करीब 1.5-2 एकड़ की जमीन है, जिससे एक तरफ बस स्टैंड, दूसरे तरफ अंतर्राज्यीय मार्ग है। वहीं पीछे कमला नेहरू स्कूल सहित रहवासी इलाका है, जहां पर धीरे धीरे अतिक्रमण अपने पैर पसार रहा है, जिसके कारण निकट भविष्य में पशु चिकित्सालय को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो महोदय क्या चाहते हैं उसके लिए? कब्जा हो रहा है, सब हो रहा है, शासकीय जमीन है। मैं पशु चिकित्सालय से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो आपको जो परिक्षेत्र है, ये इतना लगभग 1-1.5 एकड़ का परिक्षेत्र है, ये पूरी यहाँ पूरा जो गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, तो चिकित्सक विभाग को यहाँ पे अपने क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए, और जो अनावश्यक अतिक्रमण फैल रहा है इसे हटा के यहाँ पे एक कम से कम कैंपस बाउंड्री वाला का निर्माण करना चाहिए, जिससे यहाँ की व्यवस्था साफ सुथरी बनी रहे। और जो इस बिल्डिंग के पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी गंदगी का आलम है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, बारिश के मौसम में पानी भरा रहता है, उसकी भी निकासी नहीं हो पाती है। पर ये उदासीन जो रवैया पशु चिकित्सालय का यहाँ पे देखने को मिलता है, ये किसी प्रकार का यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था करने में इन लोग बिल्कुल नाकाम रहते हैं। महोदय जैसे अतिक्रमण हटाया जाएगा तो नगर पालिका के थ्रू हटाया जाएगा? हाँ, नगर पालिका के थ्रू हटाया जाएगा, आपको राजस्व विभाग के थ्रू हटाया जाएगा। तो मतलब देखिए, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर पशु चिकित्सालय का जो जर्जर भवन है, ये एक्चुअली पशु चिकित्सालय को आवंटित भूमि है और इसके पीछे की भूमि है। उस समय हमारे पार्षद काल में BRGF फंड से जो राशि आई, उससे नया पशु चिकित्सालय बन गया, लेकिन ये पुराना खंडहर जो है, यहाँ पर सघन वृक्षारोपण नगर पालिका के द्वारा किया गया था। वर्तमान में ये स्थिति आप देख रहे हैं सामने, जो बढ़िया फुटपाथ बनाया गया था और अंडरग्राउंड नाली है, यहाँ पर कचरे के ढेर और इस तरह का अतिक्रमण है। यहाँ पर असामाजिक लोगों का समागमन होता रहता है, यहाँ जमवाड़ा होता है, अंदर की तरफ देख रहे हैं आप एकांत जगह है ये बाउंड्री वाल के पीछे, तो इस कारण से ये एक ऐसा अड्डा बन गया है यहाँ कि जहाँ जुआ सट्टा सारी चीज़ें यहाँ अवैध रूप से चलती है, दारूखोरी चलती है, अय्याशी भी होती है यहाँ रात के समय में। जबकि इसके आसपास देख रहे हैं आप लालबरा रोड का एक स्टेट हाईवे है, ये आवासीय परिसर है, पीछे SDM का बंगला, पानी की टंकी। और चूँकि पशु चिकित्सालय के आसपास खाली जगह होने के कारण भय का वातावरण बना रहता है, क्योंकि लालबरा रोड है और बच्चे स्कूल कोचिंग के लिए आते जाते हैं, इसलिए पुलिस की गश्त वहाँ पर लगाई जाए। अच्छा भाभी, उसको कंपाउंड मतलब कैप्चर करना चाहिए कि नहीं पशु चिकित्सालय को? हाँ, बाउंड्री वाल बना के। जी जी भाभी, तो क्या चाहते हैं आप? वहाँ शासकीय भूमि है तो वहाँ पे बाउंड्री वाल होना चाहिए। अच्छा, अतिक्रमण जैसे कोई दिख रहा है आपको वहाँ? अतिक्रमण वगैरह दिखता तो है आने जाने में, पर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हमारा जो पशु चिकित्सालय का जो ये परिसर है, ये बस स्टैंड से लगा हुआ है। हमने भी कई बार देखा कि असामाजिक तत्व कई बार यहाँ आते हैं, रात के समय में आते हैं, बैठे रहते हैं जब हमारा अस्पताल बंद हो जाता है। मैंने जब नज़र में आया तो मैंने थाने में जाके एक दो बार शिकायत भी किया हूँ, पुलिस वाले भी आए हैं, एक दो बार भगाए भी है, और उनको मैंने अप्लीकेशन भी दिया है कि यहाँ थोड़ा निगरानी रखें और देखते रहे करें परिसर में। दूसरी बात है अवैध कब्जे की, तो इसका सीमांकन हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसील कार्यालय से इसका सीमांकन किया गया था पहले, उससे मैं संतुष्ट नहीं था, फिर से मैंने उनको निवेदन किया कि फिर से इसका सीमांकन किया जाए, तो अभी 4 दिन पहले उन्होंने आके फिर से किए हैं। अभी बताया तो नहीं एग्जैक्टली, पर उनका कहना है जब मैं मिला था कि यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, हमारे पीछे के साइड में बात है, रोड के तरफ के जो अतिक्रमण है इधर में जो एक टेम्प्ररी है, उनको नोटिस राजस्व की तरफ से दिया गया है, और जल्दी उनका अतिक्रमण जब ये पुनर्घनत्वीकरण में हमारा पूरा परिसर चला गया है, तो इसमें शासन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से यहाँ पर पुनर्घनत्वीकरण में मध्य ये हाउसिंग बोर्ड जो है ये अपना निर्माण करेगी, तो उस समय उनको हटा दिया जाएगा। साफ सफाई का अभाव देखा जा